ट्रेन घूमता रहता है ना, तो हम इस वक्त छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बैठे हैं A2 कंपार्टमेंट में। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जिस तरीके से संचालित की जा रही है उससे बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे और आम यात्री बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर डिस्प्ले में A2 बोगी को बैक साइड में दिखाया गया था पीछे की तरफ। जब मैं उधर खुद पहुंचा अपने मित्र से मिलने तो वहां देखा कि डिस्प्ले में जो है S बोगी लगी हुई थी, तो लोगों से बात की, कुली से बात की, तो देखा मैंने हज़ारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग अपना सामान लेके आगे की तरफ दौड़ रहे थे। मैं भी उधर ही भागा और करीब 15-20-25 डिब्बों के बाद A2 के दर्शन हुए और A2 में मैं आके बैठा। अब मैं जो हूँ A2 से बैठकर ही इस वीडियो को बना रहे हैं। रेल मंत्री को भी शर्म आना चाहिए कि इस तरीके से जो है गाड़ियों का संचालन हो रहा है। जब तुम डिस्प्ले ठीक से नहीं कर सकते हो तो रेलवे क्या चलाओगे? आम आदमी जो है परेशान हो रहा है, महिलाएं बच्चे मैंने अपनी आँखों से देखा दौड़ रहे हैं, एक्सीडेंट होगा इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये सोचना चाहिए कैसे अधिकारी को नियुक्त किया है मंत्री ने। मंत्री भले ही IAS हो, बहुत काबिल हो, ऐसी डिग्रियों से क्या फ़ायदा जो रेल का संचालन भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रहित में जारी। जय हिंद, जय भारत।